हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बीटरूट पूरी। ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बनेगा। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़े तक सबको पसंद आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल बटन दबाना ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अभी बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें 1 कप ग्रेट करके रखा हुआ बीटरूट डाल के ग्राइंड करेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के ग्राइंड करेंगे। अब इस वाटर को एक बाउल में निकालेंगे। अब दूसरा बाउल में 2 कप व्हीट फ्लोर लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून सूजी डालेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम बनाकर रखा हुआ बीटरूट रस को इसमें डालेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें और वाटर नहीं डालना है। देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको ढक के आधा घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए अभी आधा घंटा हो चुका है। अभी एक एक पूरी बेल लेंगे। देखिए वीडियो में दिखा रहा ना, ऐसे बेलेंगे। ऐसे सब पूरी को बेल के रखेंगे। अभी स्टोव ऑन करके एक पैन रख के ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हमने बना के रखा हुआ पूरी को इसमें डालेंगे। ऑयल गर्म होना चाहिए। देखिए गर्म ऑयल इसके ऊपर डाल के जाएंगे, तभी पूरी फ्लफी बनेगा। देखिए पूरी इतना फ्लफी बन के आ रहा है ना। इसको 2 मिनट पकाएंगे। अभी सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए इतना फ्लफी पूरी बन के रेडी हुआ ना। आप भी आपका घर में ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़े तक सबको पसंद आएगा। ऐसे सब पूरी को बनाएंगे। चलिए अभी हेल्दी और टेस्टी बीटरूट पूरी बन के रेडी हो गए। चलिए अभी खा के दिखाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी बना हुआ ना, टेस्टी लग रहा है। देखिए इतना फ्लफी बना हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। ये रेसिपी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए अगले रेसिपी के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।